हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ उमान। उमान में हम आए हैं जबल अख्तर। जबल अख्तर आने के लिए आपको एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको याद कर लेना चाहिए। मेक श्योर यू आर ड्राइविंग अ फोर व्हील ड्राइव व्हीकल ओनली। तो हम चेकिंग पॉइंट से ऊपर आ करके अपने होटल की तरफ आ चुके हैं। तो हमारा होटल हमें सबसे अच्छा लगा। सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा हाइट पर था जिसकी वजह से सारा व्यू पॉइंट हमें एकदम पास से मिल रहा था। और यहाँ के स्टाफ और मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। अगर आप दिसंबर के टाइम आते हैं, जनवरी के टाइम आते हैं, तो आपको लाजिम है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ मिलने वाली है। तो चले हम जल्दी से अपना होटल चेक इन कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम दिखाते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली। सबसे पहले स्विमिंग पूल, जो कि मुझे तो लग रहा था यूज़लेस है, इतनी ठंड में कौन स्विमिंग करेगा। तो ठीक है, बाकी टाइम के लिए तो लोग स्विमिंग करते होंगे। उसके साथ साथ और बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ पे थी। आप यहाँ पे पूल देख सकते हैं, उसके साथ साथ आपको व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर, वो एंजॉय कर सकते हैं, किसी तरह की मूवी एंजॉय कर सकते हैं। तो नाइट व्यू तो आपने देख लिया, अब हम डे व्यू भी आपको अपने होटल का दिखाएंगे ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे व्यू पॉइंट कैसा है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को इसी तरह की इंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखने के लिए। तो हम आ चुके हैं अपने बेडरूम की तरफ। बेडरूम काफ़ी अच्छा लगा, तो जल्दी से सो जाते हैं सनराइज़ देखने के लिए। होटल से करीब 1 किलोमीटर दूर ही हमारा व्यू पॉइंट था, सनराइज़ व्यू पॉइंट। तो हम वहां आ चुके हैं और सन जो है अप्रॉक्स निकलने ही वाला है। तो चले इन्जॉय करते हैं इस मोमेंट को। ब्यूटीफुल सनराइज़ देखने के बाद हम आ गए हैं वापस से अपने होटल की तरफ और आपको पूरा व्यूज़ का दिखाते हैं होटल का कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं और डिटेल में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पूल है, स्विमिंग पूल। उसके साथ यहाँ पे पूल एक और है जो आप खेल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। आप अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के साथ आएंगे, फुल इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे किड्स के लिए भी अलग सेक्शन बना रखा है इन्होंने ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और यहाँ पे मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ग्रेप्स का प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रखा था, तो काफ़ी अच्छा वाइब आ रहा था। तो अब हम अपने फर्स्ट व्यू की तरफ निकल चुके हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं वादी बिन हबीब की तरफ और यहाँ पे आपको बहुत पुराने पुराने घर मिलेंगे। किस तरह से पहाड़ों पर घर बनाए गए और किस तरह से लोग वहाँ रहते थे, आजकल के टाइम पर वहाँ बिल्कुल कोई नहीं रहता है। और आई थिंक, मुझे यहाँ पर लगता है कि शायद ये हॉन्टेड है, बट किसको पता। तो चले चेकआउट करते हैं। तो हम अभी काफ़ी ऊंचाई पर हैं और हमें एकदम नीचे जाना है स्टेयर्स के थ्रू। तो एफ्रॉक्स ये 100 स्टेयर्स होंगी, मगर काफ़ी ज़्यादा चौड़ी और हाइट फुल थी। तो फाइनली हम नीचे आ चुके हैं और नीचे से सारा व्यू हमें बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे पोमोग्रेनेट के ट्रीज़ थे, मगर अभी सीज़न नहीं था, उसकी वजह से सब कुछ सूखा हुआ था। तो उमान आके कुछ मिले ना मिले, हमें पीस तो ज़रूर मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी पीसफुल था। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्पॉट की तरफ जो है अल अख्तर विलेज। तो ये विलेज आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है ऊपर से। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं डायना पॉइंट। ये डायना पॉइंट जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगा। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो प्लीज़ अवॉइड दिस पार्ट। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, पूरी वैली जो है आपको एकदम खुली भी दिखेगी यहाँ पर, और कहीं पे भी आप जा कर के फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोस एंड फ़ोटोज़ यहाँ पर आती हैं। Thank you.
घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा हमें भूख लगने लगी, तो हमने सोचा क्यों ना रास्ते में यमनी मंदी खाया जाए जो कि यहाँ की फेमस डिश है। तो हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में जहाँ की यमनी मंदी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। थोड़े इंतज़ार के बाद हमारी मंदी आ चुकी है और हमने मटन और चिकन दोनों मंदी मंगवाई थी। बहुत ही मज़े की मंदी थी, तो अब एकदम पेट फुल हो चुका है हमारा। तो काफ़ी ज़्यादा खाना खाने के बाद हमने सोचा क्यों ना यहाँ का जो फेमस सूक है वहाँ आपको घुमाया जाए। तो डेस्टिनेशन हमारा वही है, तो हम चलते हैं वहाँ, देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं नई। हम निजवा सूक के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये बहुत ही बड़ा सूक है और अभी फ़िलहाल हम दिन के टाइम पे आए हैं, तो काफ़ी सारे शॉप्स जो हैं ओपन नहीं हैं। यहाँ पे जितनी भी आपको डेकोरेशन से रिलेटेड सामान है, वो सोविनियर वगैरह सब कुछ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और बहुत सही रेट में आपको मिलेगा। जबल अकदर में आपको रोज़ वाटर काफ़ी ज़्यादा प्योर मिलता है, तो हम यहाँ से एक रोज़ वाटर ज़रूर ख़रीदेंगे। रोज़ वाटर लेने के बाद हम चलते हैं अब डेकोरेशन की तरफ, यानी कि जो डेकोरेशन वाला सामान है वहाँ पे चलते हैं। काफ़ी सारे सोवेनियर है जो हम देखेंगे वहाँ पे जा कर के। उसके साथ साथ जो सिल्वर है वो उसकी काफ़ी सारी ज्वेलरी आपको देखने को मिलेगी, तो चलें देखते हैं। आप देख सकते कितनी सारी यहाँ पे पेंडेंट यहाँ पे मौजूद है और सारा का सारा ये सिल्वर का बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, हर वैरायटी के हर साइज़ के आपको यहाँ पे पेंडेंट मिल जाते हैं। ये सब यमनी कड़े हैं जो यहाँ की लेडीज़ पहनती हैं। उसके साथ साथ ये खूबसूरत से सोवेनियर जो कि सब सिल्वर से बने हुए हैं। हमने उमानी हलवा के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना था कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है, तो चले हम उमानी हलवा लेने के लिए पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे कौन कौन से वैरायटीज़ हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलता है इनके हलवा में, वो सब आपको फुल डिटेल में पता लगेगा। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के हलवे हैं, जैसे कि यहाँ का फेमस है स्पेशल ज़ाफ़रानी हलवा, उसके साथ साथ फिक हलवा,
तो हम ये दोनों चीज़ें उठाएंगे यहाँ से और उसके साथ साथ इनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डलता है। तो हलवा लेने के बाद हम अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। सनसेट का वक्त हो रहा था तो हम क्यों ना सनसेट व्यू देखें यहाँ से। ब्यूटीफुल सनसेट के साथ हमारा सफ़र यहीं पे होता है ख़त्म। हम चलते हैं अबू धाबी की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।